हेलो दोस्तों, आई एम मुकेश। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी वोटर सूची में नाम किन किन का आया है, किन किन का नहीं आया। अभी जिन लोगों ने जुड़वाया था उनका नाम जुड़ चुका है या नहीं, तो जानने के लिए तो सबसे पहले हमें वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जितने वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि दोस्तों हमारा भी मन करता है बनाने का वीडियो, और भी उत्तेजना मन में उत्साहित होती है, तो इसलिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे लिखना है वोटर, यहाँ पे वोटर लिखना है और यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे वोटर लिखेंगे यहाँ पे सर्च कर देंगे, जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने पहली लिंक आ जाएगी, वोटर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। हम इसको नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए यहाँ से ऐसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको डाउनलोड इलेक्ट्रॉन रोल पीडीएफ। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी भारत में स्टेट हैं, मध्य प्रदेश मतलब जितने भी राज्य हैं उसको इतने आ जाएंगे आपके सामने, सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम मध्य प्रदेश का है मध्य प्रदेश का सेलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देंगे, हमें साइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे इस तरह से करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से पॉप खुल जाएगा कुछ समय बाद। हाँ, तो आपको नीचे जाना है, इस तरह से नीचे चले जाना है। इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं, नीचे जाना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फाइनल इलेक्ट्रोल रोल्स 2022, इस पर क्लिक कर देना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो बता देते हैं आपको साइट नहीं चल रही, इस वजह से इसको इस तरह से दबाए रखना है और यहाँ पे दिख रहा होगा जनलस, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, जनरल लिखिएगा उसके बाद ऑप्शन आ जाए, क्लिक करेंगे इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे कौन सी है, जैसे कि हम निवाड़ी की चलेंगे, निवाड़ी और असेंबली चलेंगे, असेंबली जैसे कि पृथ्वीपुर विधानसभा, ठीक है हमारी पृथ्वीपुर है तो पृथ्वीपुर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम इस कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे दिख रहा होगा सबमिट, इस सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ समय बाद दिखाई देने लगेगा आपको, तो यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से जितने भी गांव हैं विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में विधानसभा है, जो भी गांव पड़ते हैं उस गांव में दिखाई देगी पंचायत। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिगवार कला, ठीक है दिगवार खुरद, सिमरा भाटा, भैंसी खुरद, इस तरह से दिखाया। जैसे हमारी टोड़ी है तो इसको हम टोड़ी पर ले जाएंगे, इस पर देखे इस पर कर इस तरह से जाएंगे, देखते जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको व्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, हम डाउनलोड पर क्लिक करके इसको खोल लेते हैं। जैसे हम डाउनलोड हो जाएगा इसको हम ओपन करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से पॉप दिखाई देगा, यहाँ पे जहाँ पे वोट वगैरह डालते हैं वो भी इस स्थान दिखाई देगा आपको, और इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पे उन सभी के नाम भी आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, दिख रहे हैं आपके नाम दिख रहे होंगे, वोट रिकॉर्ड नंबर भी दिख रहा होगा आपको इस तरह से। ठीक है, तो आप आसानी से जैसे कितने हैं हमारे पास, हमारे टोड़ी पंचायत में कितने वोटर हैं तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको 985, जहाँ में से
474 महिलाएं हैं और 511 ग्यारह पुरुष हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा नाम वगैरह सब कुछ। तो दोस्तों आप आसानी से वोटर सूची को निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।